मज़ेदार और आसान चिकन बिरयानी की रेसिपी। चिकन 1.25 किलो, चावल 1 किलो, अदरक लहसुन पिसा हुआ 2 खाने के चम्मच, नमक हसबे जायका, प्याज बारीक कुटी हुई 3 अदद दरमियानी, टमाटर बारीक कटे हुए 6 अदद दरमियाने, दही फेंटा हुआ 1 प्याली, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, हल्दी पिसी हुई 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पिसी हुई 2 खाने का चम्मच, धनिया पिसा हुआ 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला पिसा हुआ 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्चें बारीक कटी हुई 6 से 8 अदद, हरा धनिया बारीक कटा हुआ आधी कट्टी, पुदीना बारीक कटा हुआ आधी कट्टी, साबित गरम मसाला 2 खाने के चम्मच, जर्दे का रंग 1 चुटकी, दूध 1 प्याली, केवड़ा एसेंस कतरे, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें चाहें तो ना डालें, कुकिंग ऑयल 1 प्याली। तरकीब, देगची में कुकिंग ऑयल को दरमियानी आंच पे 3 से 5 मिनट गर्म करके साबित गरम मसाला डाल दें, जब कड़कड़ाने लगे तो प्याज डाल के सुनहरा फ्राई कर लें, अदरक लहसुन हल्दी और जीरा डाल के 2 से 3 मिनट तक चम्मच चलाएं, फिर टमाटर शामिल करके इतनी देर पकाएं कि टमाटर गल जाए, जब टमाटर अच्छी तरह गल जाएं और एक पेस्ट की शक्ल में आ जाएं तो चिकन, नमक, लाल मिर्च, पिसा धनिया, पिसा गरम मसाला, हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना डाल दें, फिर दही डाल के अच्छी तरह मिलाएं और दरमियानी आंच पे 12 से 15 मिनट तक पकाएं। चावलों को थोड़े से साबुत गरम मसाले के साथ उबाल लें, उबाल के छन्नी से पानी छान लें, बड़े साइज की देगची में चिकन को फैला के रखें, इसके ऊपर चावल की तह लगाएं, फिर दूसरी तह दोबारा सालन की लगाएं और ऊपर चावल की तह लगा दें, दूध में जर्दे का रंग और केवड़ा एसेंस मिला के चावलों पर छिड़क दें, देगची को ढक के 15 से 20 मिनट के लिए गर्म तवे पे हल्की आंच पे दम पे पकाएं। मज़ेदार और झटपट रेसिपी तैयार है और इसको आप पेश कर सकते हैं।